देखते हैं कि हमारा पैनल इस बारे में क्या सोचता है। चुवेरिया, तगड़े मैचेस हैं और जो वेस्ट इंडीज और इंग्लैंड वाला है वो मैच देखने का मजा आएगा, क्योंकि वो ग्राउंड ऐसा है जहाँ पे किसी को अपर हैंड नहीं है। पावर दोनों के पास है और बॉलिंग दोनों की तगड़ी है। अगर इंग्लैंड ने वेस्ट इंडीज के स्पिनर को अर्ली ऑन निगोशिएट कर लिया, मुजाकरा थोड़ी करने है, मतलब मारना ही होगा, वो तो आएगा, निकोलस पूरन आएगा, धार दौड़ झाड़ू फेरेगा, खत्म हो जाएगी बात, उसको निगोशिएट क्या करना है। नहीं, पूरन सामने बॉलिंग भी थोड़ी सी तगड़ी आएगी और उसको उसके स्ट्रॉन्ग एरिया पे मिलना थोड़ा मुश्किल ही होगा, मेहनत करनी पड़ेगी, और जिस टाइम मैच है उस टाइम बॉल थोड़ा स्विंग भी होगा, जल्दी में निकलेगा, प्लस नाइट मैच, जोफ्रा आर्चर वहाँ खेले हुए हैं और जॉर्डन भी खेले हुए और फिल सॉल्ट भी खेले हुए, तो उनको वहाँ का एक्सपीरियंस होगा, और जाहिर सी बात है जोफ्रा का वापस आना और ये मैच तगड़ा होगा, प्लस इंडिया और अफगानिस्तान वाला जो मैच है वो अफगानिस्तान की बॉलिंग वर्सेस इंडिया की बैटिंग होगा, क्योंकि इंडिया की बॉलिंग इज ऑलवेज क्लिनिकल। दिल्ला भाई क्लिनिकल एंड निगोशिएशन भी था, निगोशिएशन भी पकड़ा है लड़के ने।